Hi guys, I'm Rani, and in this video I'm going to discuss with you the solution regarding question number 1, which is on page number 28. Chapter 2 is matter around us pure class 9. So देखते हैं question क्या है. Question है, which separation techniques will you apply for the separation of the following? So काफी सारे parts हैं, एक-एक करके discuss करते हैं सबको. Okay. So सबसे पहला वाला part A part, sodium chloride from its solution in water. तो हम सोडियम क्लोराइड को NaCl को हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड को हम कैसे सेपरेट करेंगे फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में मिक्स किया हुआ है. अब हमें चाहिए कि हम सोडियम क्लोराइड को उस पानी से सेपरेट आउट कर दें. तो कैसे सेपरेट आउट करेंगे, सबसे सिंपल प्रोसेस है और कॉमर्शियली वो प्रोसेस यूज भी होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है. सो इवेपोरेशन की टेक्निक से हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है. सो इवेपोरेशन ओके. आता है दूसरा. सो सेकंड कमेंट इज अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. अमोनियम क्लोराइड को हमें सेपरेट करना है फ्रॉम अ मिक्सचर जो कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को दोनों को मिक्स कर दिया है हमने. अब हमें अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करना है इस वाले मिक्सचर में से. तो कैसे सेपरेट आउट करेंगे, थ्रू द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, ओके. थ्रू द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, फंक्शन बर्नर लेंगे, उस पे वायर वॉच रखेंगे, वायर वॉच के ऊपर चाइना डिश रखेंगे, चाइना डिश में ये दोनों मिक्सचर हम डालेंगे जो हमें मिक्सचर मिक्स किए हुए हैं. फिर हम उस पे इन्वर्टेड फनल डाल देंगे. इन्वर्टेड फनल को हम कॉटन से ब्लॉक कर देंगे, बंसन बर्नर को ऑन कर देंगे. अमोनियम क्लोराइड बीइंग वोलेटाइल, ठीक है, सब्लिमेबल वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है. क्या, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है, तो बीइंग वोलेटाइल इसके वेफर्स एकदम से बनने लगेंगे. वो वेफर्स कहाँ जाके इकट्ठे होंगे, वो वेफर्स ऊपर उठेंगे, लेकिन हमने इन्वर्टेड फैन को ब्लॉक किया हुआ है. तो वो जो हमारे वेफर्स हैं, किसके वेफर्स, अमोनियम क्लोराइड के जो वेफर्स हैं, वो इन्वर्टेड फनल के चारों तरफ आके कंडेंस हो जाएंगे, और इस तरह से अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड से. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ओके. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है. आते हैं नेक्स्ट पे, सी पार्ट पे. स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार. एक इंजन ऑयल है, उसमें स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल के कैसे सेपरेट करेंगे, थ्रू द प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन. ये तो बहुत इजी सा है, फिल्टर कर देंगे इंजन ऑयल को तो हमें अपने पीसेज मिल जाएंगे, थ्रू द प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन, ओके. कमिंग टू द डी पार्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. देखिए पिगमेंट्स का नाम सुनते ही, फ्लावर पेटल्स का नाम सुनते ही, इनके सेपरेशन के बारे में सुनते ही एक ही चीज माइंड में आती है और एक ही टेक्निक माइंड में आती है, क्रोमैटोग्राफी. देखिए क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले यूज हुई थी कलर्स को सेपरेट करने में, तो वहां से इस टेक्निक का नाम आया है और इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी. ये जो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है ये लेबोरेटरीज में यूज होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, मोर ओवर फॉर द सेपरेशन ऑफ द सोल्यूट which is dissolved in the same solvent. Okay, so chromatography एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सट्रैक्ट करेगी पिगमेंट्स को फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स को, ठीक है. सो एक तरह से जो टेक्निक हमने यहाँ यूज की है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, इट इज क्रोमैटोग्राफी टेक्निक, ठीक है. तो हमें डिफरेंट पिगमेंट्स मिल जाएंगे जो हमारे पास फ्लावर पेटल्स का एक्सट्रैक्ट है, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है. Different pigments from an extract of flower petals, chromatography. आते हैं E part पे, butter from curd. इसका solution मैं आपको दे चुकी हूँ और आपको इसका आंसर पता होगा. आंसर है centrifugation. किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो centrifugation? डेंसिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका ज्यादा मास होगा, वो बॉटम में सैचुरेट हो जाएगा, वो बॉटम में सेट हो जाएगा, और जिसका कम मास होगा उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर ही रह जाएगा. तो क्रोमैटोग्राफी सेंट्रीफ्यूगेशन कहती हूँ, ठीक है. सो बटर फ्रॉम कर्ड, दैट मीन्स बटर को हमें कर्ड में, मतलब हमें कर्ड में से बटर को निकालना है, तो प्रोसेस नोन है centrifugation and this process is based on the principle of difference in the densities. ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी कम डेंसिटी होगी वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, इस वे से हम दही में से बटर को सेपरेट कर सकते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन आपने किचन में मम्मी इसको करते हुए देखा है ना, ये तो हर घर की रोज की कहानी है, बटर को निकालना दही में से. देखा होगा मम्मी मिक्सी के अंदर चर्न कर देती है दही को एंड उसमें से बटर निकल आता है, थोड़ा बहुत और कुछ भी ठंडा ठंडा डालती है, नहीं बटर एकदम चिल्ड होता है, मशीन में घुमा देती है, मिक्सर में घुमा देती है और फिर क्या होता है, बटर निकल जाता है. ठीक है, दही को बिल्कुल ठंडा चिल्ड दही लेते हैं, घुमाते हैं मिक्सी के अंदर, बटर सेपरेट आउट हो जाता है. ठीक है, सो बटर फ्रॉम कर्ड प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डेंसिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ऑयल फ्रॉम वाटर, आपने देखा होगा पानी में ऑयल डालेंगे तो सेपरेट आउट होते हैं, लेकिन आपको अलग अलग बाउंड्रीज दिखती है. ऑयल की अलग बाउंड्री दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, आपको बहुत इजीली आप पहचान जाएंगे, एक तरह से हेट्रोजेनियस मिक्सचर है. ठीक है, तो ऑयल को हम कैसे सेपरेट करें पानी में से, सिंपल एक टेक्निक है सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में हम उन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जो इमिक्सिबल होते हैं. तो ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते हैं, अच्छे से मिक्सिबल नहीं है, ये अच्छे से मिक्स नहीं होते, दे आर इमिक्सिबल. तो इजीली सेपरेटिंग फनल से हम इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल एक टेक्निक है जो ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट करेगी. ठीक है, तो इसमें क्या लिखूं, सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टी फ्रॉम टी लीव्स. फ्रॉम टी, ठीक है, हमें चाय की पत्तियों को सेपरेट करना है चाय में से. ठीक है, टी में से तो कैसे सेपरेट करेंगे, ऑब्वियसली ये तो मैनुअली भी कर सकते हैं एंड सिंपल प्रोसेस इज नोन एज सिंपल फिल्ट्रेशन. ओनली आराम से आप उसको फिल्टर कर दो तो टी लीव्स और टी अलग अलग हो जाएंगी. टी लीव्स फ्रॉम टी, कौन सा प्रोसेस अप्लाई हुआ है, सिंपल फिल्ट्रेशन का. इसको मैनुअली भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिल्ट्रेशन. ओके, फिल्ट्रेशन. ओके, so now coming to the next one. So the next one is iron pins from sand. तो देखिए आयरन के पास एक अच्छी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. दैट मीन्स आयरन पोजेसेस अ मैग्नेटिक क्वालिटी दैट इज बीन रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन बाय द टेक्निक नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है, सो आयरन के पास एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक क्वालिटी है, इसकी मैग्नेटिज्म की. तो आयरन possesses a unique quality of magnetism which is the key character for the separation by magnetic separation method. ठीक है, so iron pins from sand, it's been the technique used for separating iron pins from sand is magnetic separation. ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक को यूज करेंगे बिकॉज आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. ओके, आते नेक्स्ट पे, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क होना चाहिए. आई एम सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाई हम करेंगे सेपरेशन ऑफ व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इट्स द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी मास. व्हीट ग्रेन्स का मास थोड़ा ज्यादा होता है और हस्क का मास कम होता है. हस्क लाइटर होता है, व्हीट ग्रेन्स थोड़ा हेवियर होता है. तो हमें थोड़ी सी ही विंड एनर्जी चाहिए होगी फॉर सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. आपने गांव में देखा होगा हमारा एक यूज करती हैं औरतें छन्नी के अंदर, व्हीट ग्रेन्स और हस्क दोनों मिक्सअप होते हैं, वो थोड़ा सा उछालती हैं तो क्या होता है, जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर हस्क मैटर होता है, वो अपने आप ही सेपरेट आउट हो जाता है, नीचे गिर जाता है और हमारे पास उस छन्नी के अंदर क्या बच जाता है, व्हीट ग्रेन्स बच जाते हैं. उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, विनोइंग टेक्निक कहते हैं. सो व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, सो द सेपरेशन टेक्निक जो हम इसमें अप्लाई करेंगे वो होगी विनोइंग की. क्या होगी वो, विनोइंग की. ठीक है, और इसमें कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, मास प्रिंसिपल जो है, मतलब मास वाला प्रिंसिपल इसमें बेस्ड है. जिसका सबसे ज्यादा मास होगा वो रह जाएगा और जिसका कम मास होगा वो जैसे ही थोड़ी सी विंड एनर्जी चलेगी, थोड़ी सी हवा चलेगी, वो वैसे ही नीचे गिर जाएगा। सो वीट ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे हस्क से। एंड द टेक्निक नोन इज विनोइंग। आते हैं लास्ट पार्ट में, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंशन इन वाटर। देखिए पानी लीजिए और मिट्टी लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। एक बार के लिए तो घुल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसको आइसोलेशन फॉर्म में रख दीजिए साइड में। क्या देखेंगे आप 10-15 मिनट के बाद में कि पानी ऊपर आ गया है और मड नीचे सेटल डाउन हो गई है। तो अब इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करें? डिकैंट करके, मतलब ऊपर से पानी को निकाल देते हैं और जो नीचे मिट्टी है वो रह जाएगी एक फ्लास्क के अंदर। सो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, वो टेक्निक कौन सी होगी? डिकैंटेशन वाली। ठीक है, कौन सी होगी? डिकैंटेशन वाली। ठीक है, आई होप आपको सारी टेक्निक समझ में आ गई होंगी। एंड आई डोंट फील देयर वुड बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। वेल, अगर कोई डाउट हो, छोटी से छोटी डाउट भी हो ना, तो भी आप मुझसे पूछ लेना। अपनी डाउट्स को अपने तक प्लीज मत रखिएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।